मैंने नासिक में बहुत कोशिश किया ट्रांसप्लांट की। हमारे नासिक में देशमुख डॉक्टर करके उन्होंने हमको नासिक में सब अपना ट्रांसप्लांट के लिए बताया और उन्होंने बोला आपको ट्रांसप्लांट करना होगा और उन्होंने हमको अपने बेलापुर अपोलो में ट्रांसप्लांट को भेज दिया और ट्रांसप्लांट हमारा एकदम ओके हो गया और अभी मेरी तबीयत और सब ये सब ठीक है। अभी मेरे लड़के ने डोनर करके मेरे को दिया डोनर और अभी दोनों की भी तबीयत एकदम ठीक है, अभी कुछ तकलीफ नहीं। ऑपरेशन के पहले हमको वैसे काफ़ी प्रॉब्लम्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो सब यहाँ के जो डॉक्टर्स टीम है वो हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही तरीके से बताते हैं। जिन बातों से हमें बहुत सा ज़्यादा डर लगता है वो सब बातें ऑल ओवर क्लियर कर देते हैं और ऑपरेशन का जो हमारे दिमाग में जो ये रहता है जो एक प्रकार की भीति या फोब रहता है वो निकाल देती है और हमें सही तरीके से सही मायने से ऑपरेशन के लिए एक तैयार किया जाता है। ऑपरेशन के बाद भी ज़्यादा करके हमें कम से कम कम समय में काफ़ी बहुत सा पहले जैसा एकदम क्लियर कर देते हैं। यही इस हॉस्पिटल की एक खासियत है। मुझे बहुत जल्दी उन्होंने ठीक कर दिया। वैसे दूसरे दिन में ही मैं चलने फिरने लगा, काफ़ी हैप्पीनेस महसूस करने लगा, पहले जैसा मैं काफ़ी स्ट्रांग महसूस करने लगा हूँ। अभी मैं बहुत यहाँ के सर्विस से मैं काफ़ी बहुत हैप्पी हूँ। अभी फिलहाल ठीक हूँ मैं। मैंने मेरे पापा को लिवर डोनेट किया है, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे जिन जिन को ज़रूरत हो वो हर बच्चे हर कोई इंसान वैसे एक दूसरे को ऐसे ही ऑर्गेनाइज ये करे, हेल्प करे, उसको सही तरीके से ज़िंदगी एक फिर से दिखा देने की कोशिश कीजिए। बस यही मैं आपसे विनती करता हूँ।